सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। दावी का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हजरत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबे रब्बानी कितनी दुमे लगाई हुई इन्होंने और रुकने का नाम नहीं ले रही। हर एक आता है अपनी एक बीच में लुचता लेके चला जाता है और कहता है मेरा भी फ्राई कर लो बीच। हेलो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ चलो ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए इतना सुकून। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? भाभियों को गाला कटे। उसने कहा मैं गैब से सेब चाहता हूँ। जाओ काम करो अपना निकलो इधर। और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। हाय 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 सर उन इंजीनियरिंग हो चुकी है क्या करना रुक जाओ। बाप रहमतुल्लाह तआला ने हवा में हाथ बढ़ाया तो दो सेब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनमें से एक उसको दिया यानी खलीफा को दिया। ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके बाय। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो निहायत सफेद था। हाय 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 जबरदस्त उससे मुश्क की सी खुशबू आती थी। और खलीफा ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो उसमें कीड़े थे। तो खलीफा कहने लगा ये क्या बात है? सर ये कहानी है टोटली कहानी है। मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में निहायत उम्दा सेब देखा तो क्या नाचो मैं? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं बगैर तू सॉरी 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 साले तू अबुल मुजफ्फर अब बोल तुम्हारे सेब को जुल्म के हाथ लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए। अच्छा सुभान सुभान अल्लाह क्या अंदाज़े तबलीग है। पाओ आप कहते हैं सुभान अल्लाह हालांकि आप कहना चाहिए लानतुल्लाह। इस तरह नहीं होता भाइयों ये दुनिया बकदर एफर्ट है इल्म की बुनियाद पर चले। कुरान हकीम ने वाज़े कहा है तवहमात को साइड पे करो। सूरह बनी इसराइल की 9th कमांड जो 10 कमांडमेंट में से सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 है औधु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म ऐ इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास डेफिनेट इल्म ना आ जाए। इन समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला बेशक आंख कान और अक्ल दिमाग या दिल कोई भी हो इसके बारे में पूछा जाएगा इसको इस्तेमाल करके तूने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें चलने ना बढ़ो टुन्नी ना बढ़ो सुन्नी बढ़ो। एक है सुन सुना के सुन्नी सुन टुन और एक है पढ़ पढ़ा के सुन्नी बढ़ो। किताबो सुन्नत से दलील देखें को बात है और किताबो सुन्नत ने हमें दो ही उलूम बताए हैं एक रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज जो साइंस का इल्म है द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा कोई और इल्म नहीं है। इन दो उलूम की तरफ से तस्दीक हो तो बात ठीक होगी अदरवाइज गलत होगी।